नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने भी पवन सिंह को गच्चा दे दिया। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पवन सिंह लगातार जो है ये आवाज उठा रहे हैं कि मैं किसी भी हाल में चुनाव लड़ूंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया और उनको पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। पवन सिंह को आसनसोल से जब चुनावी मैदान में उतारा गया तो पवन सिंह जिम में थे, पसीना बहा रहे थे और उछल पड़े। उनके तमाम समर्थक जो हैं वो खुशी खुशी पवन सिंह से गले मिले, मिठाइयाँ खाए और पवन सिंह ने दावेदारी भी आकर मीडिया पर ठोकी। लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि पवन सिंह टिकट को वापस कर दिए। हालांकि वो अपने किसी निजी कारण की वजह बताए, लेकिन कुछ लोगों की जानकारी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विवादित चीजों की वजह से उनको कहा कि आप टिकट को वापस कर दिए, जिसके बाद तमाम चर्चाएं हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, माना जा रहा था कि पवन सिंह ने आरा लोकसभा सीट को लेकर दावेदारी ठोकी थी। आरा लोकसभा सीट पर सहमति बनने की बात भी कही थी और उनको ऐसा भी लग रहा था कि आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार देरी हो रही है और आरके सिंह जो वहां के सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से जाकर वहां पर दावेदारी पेश कर दी, उसके बाद से पवन सिंह का टिकट वहां से कटना लगभग तय माना जा रहा था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह को किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी आरा लोकसभा सीट नहीं देने वाली है। इस कड़ी में शुरुआत में मैंने आपको कहा कि अब आरजेडी भी पवन सिंह को गच्चा दे दी है। वो कैसे? क्योंकि पवन सिंह को इंतजार था कि आरजेडी के टिकट पर अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वो निर्दलीय भी उतरने की बातें जो सामने आती है वो कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि चुनाव तो लड़ना है तो भाई कोई पार्टी नहीं देगी तो आपको निर्दलीय इंडिपेंडेंट ही ऑप्शन बनता है। तो पवन सिंह जो हैं वो इंडिपेंडेंट या फिर आरजेडी के भरोसे, पार्टी के भरोसे अगर रहेंगे तो एक बेहतर विकल्प होता है जो वोटर्स होते हैं, जो कोर वोटर्स होते हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार देरी कर रही है तो अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भैया अब आरजेडी जो अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, उसमें ये जो सीट है वो आरजेडी के खाते में नहीं, बल्कि आरा लोकसभा सीट जो है वो सीपीआई जो है उसके खाते में गई है। तो पवन सिंह मतलब उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि अगर आरजेडी से भी लड़ना हो तो लड़ेंगे, तो अब जो है ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई है। तो पवन सिंह को दोहरा झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी एक तो टाइम ले रही है, दूसरा आरजेडी की भी वो सीट अब नहीं बची है। पवन सिंह के लिए अब आरा के लिए क्या ही ऑप्शन बचता है? निर्दलीय बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्दलीय पवन सिंह के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। भले ही आप पावर स्टार कह लें, सुपर स्टार कह लें, लेकिन चुनावी मैदान में जब आप निर्दलीय उतरते हैं तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। धन्यवाद।